दोस्तों कैसे हो आप। आज लेकर चल रहा हूँ दोस्तों दिनेश लाल यादव के घर पर, यानी कि बिग बॉस, और यहाँ तक कि कपिल शर्मा के शो पर भी वो जा चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बहुत इनका नाम है और इनका घर बहुत ही काफ़ी ज़्यादा आलिशान है। तो उनके घर पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ उनका घर कैसा है दिनेश लाल यादव का, जो कि बहुत ही मतलब लाजवाब है। तो दोस्तों हम चलेंगे अपनी बाइक से और उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरा वीडियोस और कैसा है उनका घर, किस तरह से है घर, सब कुछ दिखाऊंगा और सब कुछ एक्सप्लोर कराऊंगा। तो दोस्तों और ये दोस्तों दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के अभी प्रेजेंट नेता है, यानी कि बीजेपी नेता है, वो कि बहुत ज्यादा चर्चित में रहते हैं। तो बातें करते हैं हम, यानी कि उनके घर के ही, यानी कि बहुत ही खास इंसान है, उनसे मिलाने वाले हैं, ये रहे। नमस्कार भाई लोग, मैं सुजीत लाल यादव, अभी तो प्रतापगढ़ में शूट कर रहे हैं। अभी इसके पहले दो मूवी यहाँ पे शूट हुई थी, छोटे अंकल जी प्रवेश लाल यादव चाचा जी, जदगर और सागर। इस चैनल को जितना जितना हो सके लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। जय हिंद। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये घर दोस्तों देख ही रहे हैं कि कितना जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। ये 3 मंजिला घर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने विजिट किया और देखा कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा दोस्तों। इसमें ट्रैक्टर है और यहाँ तक कि जब आते हैं दोस्तों, यानी कि फर्स्ट यानी थर्ड फ्लोर पर दोस्तों चढ़ते हैं ये ऊपर वाले पे एकदम, उसके बाद सबको हाय टाटा बाय बाय करते रहते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों इन कई फिल्में बना चुके हैं दिनेश लाल यादव। तो इनका घर का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोकेशन बहुत ही शानदार लग रहा है, जो कि अच्छे तरीके से उन्होंने बनवाया है दोस्तों। तो इनका दो घर है तो दोनों घर पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ और पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ जितना हो सका दोस्तों। इस वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और हालांकि दोस्तों बहुत ही पुराना वीडियो है मेरा, लगभग 1-1.5 साल पुराना वीडियो दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनका नाम भी रहता है दिनेश लाल यादव का, क्योंकि नेता है भाई, जाहिर सी बात है, और काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्में भी इन्होंने बनाए हैं भोजपुरी में। तो ये इनका फिल्म और इनका फैंस फॉलोइंग बहुत तगड़ा है एकदम दिनेश लाल यादव का। तो अभी टाइम तो दोस्तों वो अभी आजमगढ़ के नेता हैं, सांसद है भाई, और उसके बाद गाजीपुर के हैं। तो दोस्तों ये मेरा मेन गेट, जो कि मेन गेट से दोस्तों घर इनका ऐसा दिखता है और बैक साइड से दोस्तों ऐसा दिखता है। अगर पूरा घूमेंगे आप तो मालूम पड़ेगा आपको, आप कभी जाइएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है दोस्तों इनका घर, और ये रहा बैक साइड का है जो कि खिड़की से कांच से पूरा लगा हुआ है। तो इनका दोनों घर दिखाऊंगा। और भाई साहब ये यदुवंशी हैं और यानी यादव बिरादरी के हैं, दिनेश लाल यादव इनका पूरा नाम है, जो कि निरहुआ निरहुआ सब कहते हैं। हालांकि ये गायक भी हैं, कलाकार है और हीरो सब हैं, और इस टाइम दोस्तों अब जानते हैं कि इस बीजेपी नेता है। तो इनका घर तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी दोस्तों मुझे दो ही घर पता है, एक इनका मतलब दो ही गांव में है दोस्तों, एक ही गांव में दो दो घर है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे देखकर अच्छा लगा और लोगों से मैंने बात भी किया था तो बोले भाई हाँ आते रहते हैं। और विजय लाल यादव इनके चाचा है, मतलब इतना कंफर्म नहीं पता है मुझे, लेकिन मैंने देखा और सुना तो बोला कि हाँ चलो हो सकता होगा। तो विजय लाल यादव का भी घर है। तो भाई साहब घर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही शानदार लगा भाई साहब। और ये रहा दोस्तों, ये रहा दोस्तों इनका घर, जो कि अगर बाउंड्री के बाहर बाहर है घर दोस्तों, ये बाउंड्री के बाहर, अंदर भी आते रहते हैं, बहुत कम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आते रहते हैं और आने के बाद मिलते भी हैं। हालांकि इनका बहुत सारा वीडियोस देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और जब नेता होने के बाद दोस्तों इन्होंने फिल्म करना कम कर दिया, क्योंकि इनका भोजपुरी फिल्म काफ़ी ज़्यादा आते रहता है, तो अभी तो फिल्म नहीं आती है, लेकिन हाँ चर्चा में ज़्यादा रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सही रहता है इनका। और ज़्यादा ऐसा नहीं कि ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, गांव में आते हैं तो बिना फोर्स यानी बिना सिक्योरिटी के आते रहते हैं, मैंने सुना था, लोगों ने बताया भी था कि अच्छा ऐसा ऐसा है। तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे भाई कि चलो यार इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी दोस्तों कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो भाई साहब देख सकते हैं कि यदुवंशी यादव बिरादरी से हैं, यादव बिरादरी जानते होंगे आप। और भाई साहब इसके अंदर ट्रैक्टर है और बोलेरो है, जो मतलब काम करने वाले रहते हैं दोस्तों वही लोग रहते हैं घर में, और कोई नहीं रहता है। ये कभी कभी आते रहते हैं, मतलब कभी कभी आते हैं, ऐसा
हमेशा नहीं रहते हैं, कभी कभी आते रहते हैं। जब इनको कोई फंक्शन करना होगा या कहीं जाना होगा या कोई बोल देगा शादी विवाह के लिए, तब वो आते रहते हैं, मतलब अपने गांव में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इनका, इनके दोनों भाई लोग हैं जो परवेशल यादव हैं, और उसके बाद चाचा जी हैं जो क्या नाम है उनका, विजय लाल यादव। तो और ये रहा दोस्तों उनका मेन घर जो कि आप देख रहे हैं पीछे हमारे, ये मेन घर है दिनेश लाल यादव का। तो इनकी माता जी, और इसके पीछे देख रहे दोस्तों वो हल्का हल्का दिख रहा होगा दोस्तों, विजय लाल यादव घर है वो पीछे वाला घर, वो जो पोड़ा है ना उसके उस पीछे वाले घर के। तो ऐसा है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों दिनेश लाल यादव का मेन घर जो कि यहीं पर विराजमान होते हैं, और आपने देखा भी होगा, नेट पर सर्च करने का तो आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो दोस्तों ये 1.5 साल पुराना है दोस्तों। तो उस टाइम दोस्तों मुझे ठीक से मतलब कि वीडियो बनाना भी नहीं आता था, तो हालांकि अभी वीडियो बनाना आता नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे तैसे दोस्तों थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश की, हिम्मत किया, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर मैं पब्लिक में जाता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, और मुझे थोड़ा ऐसा अजीब सा लगता है कि यार मैं कैसे बात करूँगा, कैसे क्या करूँगा। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा सही है, प्रेजेंट टाइम में मैं थोड़ा सा बोल पाता हूँ पब्लिक में, हालांकि उतना नहीं बोल पाता हूँ क्लियर, लेकिन फिर भी दोस्तों उस टाइम दोस्तों 1.5 साल पहले दोस्तों मेरे पास अच्छा कैमरा भी नहीं था, अभी भी अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सका दोस्तों मैंने वीडियो शूट किया। मुझे पता नहीं था दोस्तों कि ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, तो हालांकि मैंने सोचा कि चलो आपको मैं थोड़ा ये वीडियो दिखाई देता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरे पास ऑलरेडी पहले से था दोस्तों फ़ोन में, तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाता हूँ दिनेश लाल यादव का घर कैसा है। हालांकि क्वालिटी अच्छी तो नहीं मिल रही होगी दोस्तों, मुझे पता है उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उस टाइम दोस्तों J7 सैमसंग का J7 फ़ोन था मेरे पास, उतना क्वालिटी वाला नहीं था वो कैमरा, थोड़ा कितना 8 मेगापिक्सल कैमरा से दोस्तों ये वीडियो शूट किया गया है। तो ये है दोस्तों दिनेश लाल यादव का घर, और ये रहा दोस्तों रास्ता जो कि जाता है सीधा दिनेश लाल यादव, यानी कि आप ये नहर पकड़ के ही जाएंगे तभी आप जा सकते हैं। नहर पकड़ के जाएंगे दोस्तों तो आपको पड़ेगा तड़वा महोदिया, वो उनका जगह का नाम है, एरिया का नाम है, जो कि दिनेश लाल यादव का घर है, वहाँ पर वहीं पर जाना होता है। तो ये दोस्तों यही रूट जाएगा, और आपको नहर छोड़ना नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं, एकदम आपको जाना है सीधा नहर पकड़ कर, वहाँ से सगड़ा सगड़ा सीधा आप जाएंगे तो आपको पूछ लेंगे दोस्तों कि दिनेश लाल यादव घर कहाँ पर है, तो लोगों वहाँ पर बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप पहुँच सकते हैं उनके घर पर, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पकड़िए। आप अगर बनारस से आ रहे हैं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं तो सीधा आप गाजीपुर उतरिए, गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उतरिए, या नहीं उतरना है तो सादियाबाद उतरिए, सादियाबाद से वहाँ सीधा पकड़िए, नंदगंज तक आइए, उसके बाद आपको पड़ेगा, पूछेंगे कि नहीं जाना है सगड़ा, यानी कि सगड़ा की तरफ जाना है तो लोग उतार देंगे, और बस भी आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं घर पर उनके, और आप दिखा सकते हैं वीडियो में ताकि लोग आपको जान सके और आपका वीडियो पहुँच सके यूट्यूब की तरफ से। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग जितना हो सका दोस्तों, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया, और हालांकि दोस्तों हमारा पुराना वीडियो है तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा ताकि अच्छे अच्छे दोस्तों कंटेंट मिलते रहे आपको। हालांकि मेरे पास उतनी क्वालिटी तो नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको देखकर अच्छा लगे। हालांकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने सीखने कोशिश कर रहा हूँ ताकि सीख सीख के इंसान आगे बढ़ता है। तो मैं दोस्तों आपको मैं अच्छे अच्छे दोस्तों ब्लॉग बना के दिखाऊँगा और आपको पूरा विजिट कराऊंगा दोस्तों। यही रोड है दोस्तों, जाता है सीधा एकदम, ये पुलिया है और ये रोड पकड़ के सीधा जाना है आपको, ये लेफ्ट मुड़ना है और आप चले जाएंगे सीधा एकदम सादियाबाद की तरफ, और उसके बाद आपको लेके चला जाएगा वही तड़वा महोदिया जो कि ये रोड है। तो सीधा यहाँ से भी जा सकते हैं सीधा से, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है दोस्तों, फिर आप चले जाएंगे सीधा दिनेश लाल यादव के घर पर, और आप वीडियो शूट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।